दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRX MediHelp में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलीबो टैबलेट के बारे में और जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो गिलीबो टैबलेट होती है वो तीन तरह की डोजेज में आती है, गिलीबो 250 mg, गिलीबो 500 mg और ग्लीवो 750 mg, और इनको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है। वहीं अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो ग्लीवो में लिवोफ्लॉक्सासिन ड्रग प्रेजेंट होता है, जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि एक डीएनए गायरेज है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके डीएनए जो होते हैं उनको किल करके बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने का काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्लीवो टैबलेट के इंडिकेशन की, कि इनको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ENT इन्फेक्शन हो गया है, उसके अगर नाक कान गले में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आप ग्लीवो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। देन वहीं अगर किसी व्यक्ति को ITI इन्फेक्शन है, यानी कि उसको निमोनिया है, लंग्स इन्फेक्शन हो गया है या सर्दी जुकाम के लक्षण हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति या महिला को UTI इन्फेक्शन हो गया, यानी कि उसको मूत्र मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उसके जलन हो रही है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस ग्लीवो टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन अगर किसी व्यक्ति को SSTI यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन हो गए, स्किन पर कोई रेसेस हो गए या दाने हो गए, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को आँख में कोई इन्फेक्शन है या उसको ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है, तो ऐसी कंडीशनों में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये कुछ इंडिकेशन थे जिनमें आप ग्लीवो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो दोस्तों, जो ग्लीवो है, हमने आपको बताया ग्लीवो 250, 500, 750 तीनों mg में आती है, तो इसको डॉक्टर मरीज की कंडीशन को देखते हुए उसको डायग्नोसिस करके डिसाइड करेंगे कि उसको 250 mg, 500 mg या 750 mg देना होता। लेकिन अगर हम इसकी आइडियल डोज की बात करें तो दोस्तों, जो 250 mg होता है और 500 mg होता है, उसको आप दिन में दो बार तक यूज कर सकते हैं। देन वहीं अगर 750 mg किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, तो दिन में एक बार इसका इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि ग्लीवो टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सिर में दर्द हो सकता है, उसको उल्टी या मतली आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो उसको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ग्लीवो टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।